नमस्कार, सेल ट्रैक के 91वें एपिसोड के साथ राउरकेला स्टील प्लांट से मैं त्रिशीला पाणिग्रही, मैनेजर प्रोजेक्ट्स, इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक के टीम के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आई एम आशीष कुमार, AGM इंटरनल ऑडिट फ्रॉम राउरकेला स्टील प्लांट। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सेल ट्रैक। आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। शुरुआत करते हैं श्री संदीप पौंद्रिक के इस्पात सचिव के रूप में पदभार संभालने की खबर से। श्री संदीप पौंद्रिक हैज अज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एट उद्योग भवन ऑन 13 अगस्त 2024। ही इज अ 1993 बैच IAS ऑफिसर from Bihar cadre. Upon his assumption of charge, he was welcomed by senior officials of the ministry. Shri Amrindu Prakash, chairman SAIL, along with other directors of SAIL board, met with Secretary Steel and congratulated him. After assuming charge, he took a meeting with senior officials of the ministry to review the progress of the steel sector in the country. कारो संयंत्र के मेघाताबुरु आयरन ओर माइंस को भारत सरकार ने खान मंत्रालय के तहत इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने सामुदायिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल माइनिंग के प्रति प्रतिबद्धता के लिए वर्ष 2022-23 हेतु 5-स्टार रेटिंग प्रदान किया है। सेल को यह सम्मान माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया, जिसे मेघाताबुरु आयरन ओर और माइंस के मुख्य प्रबंधक श्री RP सेल्वम और महाप्रबंधक श्री SK सिंह ने ग्रहण किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट रजिस्टर्ड इट्स बेस्ट एवर सिंगल डे हॉट मेटल प्रोडक्शन विद 2 ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशंस ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज। ऑन 14 अगस्त 2024 द प्लांट रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 13,203 टन ऑफ हॉट मेटल एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन 15 अगस्त, इट रीरोट द रिकॉर्ड्स बाय मेकिंग 13,231 टन ऑफ हॉट मेटल। नोटेबली RSP has shut down blast furnace 4 and is currently operating only 2 blast furnaces, namely BF1 and BF5. Earlier, achieving 13,000 tons of hot metal production from 3 furnaces used to be considered as a feat. And now, the RSP collective is creating history by accomplishing this by operating 2 furnaces. सेल भिलाई संयंत्र के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग द्वारा संयंत्र एवं खदानों के आसपास के गांवों में मई से लेकर जुलाई 2024 तक आयोजित विभिन्न निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में कुल 3,576 मरीज लाभान्वित हुए हैं। इन शिविरों में निशुल्क सामान्य जांच, शुगर, BP जांच के साथ साथ दवाइयों का वितरण किया जाता है। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। डू यू नो क्वांटम AI इज अ बर्जिंग डिसिप्लिन दैट यूनाइट्स क्वांटम फिजिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीकिंग टू क्रिएट इनोवेटिव एल्गोरिथम्स कैपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग क्वांटम कंप्यूटर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल। The application of quantum AI is set to unlock a new era of innovation and discovery. अब बारी सेल ट्रैक के 90वें एपिसोड में दिखाई गई तस्वीर को पहचानने की है। सही जवाब है द बोगीबिल ब्रिज। अ कोलोसल फीट ऑफ इंजीनियरिंग, द बोगीबिल ब्रिज स्पैन्स 4,940 मीटर्स अक्रॉस असम्स ब्रह्मपुत्र रिवर linking Dhemaji and Dibrugarh districts. India's longest rail bridge, it's also Asia's second largest, constructed with a staggering 35,400 metric tons
of SAIL Steel. सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों के नाम हैं मिस गरिमा शर्मा कपिला, मिस अनुपमा बाजपेयी, मिस्टर पवित्र मंडल, मिस्टर ब्रिजेश वर्मा एंड मिस्टर मानस महाराणा। चलते चलते आपके लिए पेश है ये फोटो। आपको बस पहचानना है कि ये फोटो जिसमें सेल स्टील का इस्तेमाल हुआ है किस परियोजना की है और कहाँ स्थित है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड। अनुरोध है कि सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्ते।